नमस्कार, सिरसा आंचल में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। चावला रेस्टोरेंट में एक केबल ऑपरेटर की मीटिंग का आयोजन हुआ। इस मीटिंग में शहर के भिन्न भिन्न हिस्सों से लगभग 150 केबल ऑपरेटरों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग का उद्देश्य केबल ऑपरेटर को होने वाली परेशानी से निपटने के लिए विचार करना और नई मेंबरशिप का गठन करना था। हमारी जो आज ये मीटिंग हुई है, जो आज नहीं केवल जो डेढ़ साल से चली आ रही है, जो दो नंबर के चैनल चला रही है शहर के अंदर, और ये प्रेशर बना रही है पर्यटकों के ऊपर कि अगर आप हमारे साथ ज्वाइंट हो, अगर आप ज्वाइंट नहीं होगे तो हम आपको परेशान करेंगे, आपकी तारें वगैरह काटेंगे। ऐसा कुछ गलत प्रचार उन लोगों ने पूरे शहर में हमारे पर्यटकों के दिलों में डाल दिया है। उस डर को दूर करने के लिए हमने अपना ये संगठन बनाया दोबारा, और उनको ये समझाया है कि ये चोरी के जो चैनल चला रहे हैं, ये चोरी के चैनल हम नहीं चलने देंगे। चाहे इसके लिए हमें प्रशासन से लड़ना पड़े या मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, हम सभी लड़ेंगे। आज हमारे 100 ऑपरेटरों की घर की दाल रोटी का सवाल है, और हमारा ये संकल्प है कि हम सभी एक साथ मिलकर चलेंगे, और जो एक नंबर की केबल है सिरसा में वही चलेगी, दो नंबर की केबल हम नहीं चलने देंगे। ये आज का हमारा उद्देश्य है। बाबा बिहारी नेत्रालय में निशुल्क आंखों की जांच का शिविर लगाया गया। इस जांच शिविर में मॉरिशस से आई डॉक्टरों की टीम ने लोगों की आंखों की जांच की। आज हमारे यहाँ मॉरिशस से डॉक्टर आए हुए हैं, जो कि पर्दे के स्पेशलिस्ट हैं। जिन मरीजों को मतलब कि शुगर की प्रॉब्लम है या हाइपरटेंसी भी है, उनको आँख के पर्दे के ऊपर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसकी जांच के लिए हमने इनको बाहर से बुलाया है। ये 3 दिन की विजिट के लिए आए हैं यहाँ पे, और ये आँख के पर्दे से संबंधित जो भी बीमारियाँ उनका इलाज करेंगे। आज हमारे पास 50 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुई है जिनको ये चेक करेंगे। इससे ज़्यादा मतलब कि हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें पर पेशेंट 15 से 20 मिनट लगते हैं। सफ़ेद मोतिया है, कॉमन बीमारी है, और आजकल ये शुगर की बीमारी भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से भी आँख की बीमारी बहुत ज़्यादा है। शुगर से क्या है कि आँख के पर्दे के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उस ये भी कॉमन सा ही हो चुका है। ऑपरेशन डॉक्टर साहब करेंगे, जिनको
कोई पर्दे की प्रॉब्लम है उनका ऑपरेशन भी करेंगे, सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन भी करेंगे। सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन हाई टेक्निक से करेंगे। आजकल बिना टीका टंका पट्टी के भी जो ऑपरेशन होते हैं हाई टेक्निक से ही वो करेंगे। खैरेका और पंजुआना के बीच दो गाड़ियों की टक्कर होने से एक कार सवार दो लोगों की मौत हो गई, वहीं पांच लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार सिरसा के सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है। लाएगी ये डब वाली रोड पे खैरेका गांव के पास एक दो कारों के बीच में टक्कर हुई है, तो हम मौके पे गए हैं। वहाँ उसमें दो की डेथ होगी और उसमें पांच घायल हैं। अभी देखते हैं किसका कसूर है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे मुकदमा दर्ज करके। रेलवे लोको शेड के पास एक अज्ञात युवक का शव मिला, शव के सिर पर गहरा घाव है। जानते हैं कि इस मामले पर एसएचओ महासिंह का क्या कहना है। दिन में करीब 1 बजे सूचना प्राप्त हुई थी, एसएचओ जीआरपी सरसा ने मुझे बताया था एक डेड बॉडी पड़ी है। जो मैं मौके पर पहुंचा, डॉक्टर साहब डॉक्टर जोगिंदर सिंह एफएसएल निसार से आए और डॉग्स गार्ड को मौके बुलाया। दौरान निरीक्षण पाया गया कि टट्टी करते समय जो बैग में पड़ गया था और इसके पत्थर लगने के कारण इसकी मौत हुई है, कोई मर्डर का मुकदमा नहीं। कुछ दिन पहले सिरसा की डानी संगतपुरा में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया था। पुलिस ने मृतका के पति की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने इस कांड में 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक पिस्टल, हत्या में इस्तेमाल होने वाली बाइक भी बरामद की। रानिया के गांव में 7 महीने की बच्ची का जला हुआ शव मिलने से गांव में सनसनी का माहौल बना हुआ है। बच्ची के परिजनों का कहना है कि यह किसी तांत्रिक का काम हो सकता है। सराफा बाजार और मौसम की जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अमरजीत के पास। सराफा बाजार में आपका स्वागत है, मैं हूं अमरजीत। आज सिरसा में सोना 22,885 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, वहीं चांदी में 650 रुपए का उछाल देखने को मिला। इसी 650 रुपए उछाल के साथ चांदी आज 54,550 रुपए प्रति किलो रही। अब आपको मंडी की तरफ ले चलते हैं। आज सिरसा में जौ 1215 रुपए प्रति क्विंटल रहा, वहीं सरसों 2450 रुपए प्रति क्विंटल बिका। आज सिरसा में सारा दिन सूरज अपनी तपती किरणें बिखेरता रहा, जिसका आलम यह हुआ कि आज सारा दिन गर्मी का एहसास रहा। आज अधिकतम तापमान 41.2 रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 28.3 रहा। धन्यवाद अमजीत। शेयर मार्केट की जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सुरेंद्र सावंत के पास।
बिजनेस टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। आज सबसे पहले बात करते हैं बीएससी की। आज सेंसेक्स 9.67 की गिरावट के बाद 17,550.63 पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स का हाईएस्ट पॉइंट 17,678.86 रहा और लोएस्ट पॉइंट 17,492.19 रहा। इसके अलावा यदि बात करते हैं एनएसई की, तो आज निफ्टी 2.45 की उछाल के बाद 5,278.30 पर बंद हुई। आज निफ्टी का हाईएस्ट पॉइंट 5,310.50 रहा और लोएस्ट पॉइंट 5,262.50 रहा। बिजनेस टुडे में आज के लिए इतना ही। बाकी सिरसा अचल के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी आंचल के पास। धन्यवाद सुरेंद्र। सिरसा अचल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हरियाणा टुडे।